नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में यूसीस बिल पास हो गया है। यूसीस बिल पास होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी यूसीस बिल पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने देश के इतिहास में सबसे अहम काम किया है। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने और सत्र संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद भी अदा किया। आज उत्तराखंड के सदन में समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून, वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा सदन में लाया गया था, उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा। यूसीसी बिल पास होने के बाद मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष के विधायक इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने की मांग कर रहे थे। विपक्ष और सत्तापक्ष के कई विधायकों ने संशोधन की भी बात कही है, लेकिन बिल को पास कराने में सरकार को जल्दबाजी थी। उन्होंने कहा कि सदन में बिल पेश करने के बाद विधायकों को केवल 2 घंटे का ही वक्त मिल पाया। उन्होंने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की है ताकि बिल का विस्तार से अध्ययन हो सके और कमियों को दूर करके लागू किया जाए ताकि विपक्ष भी इसका पूरा समर्थन कर सके। इस विधान मंडल के माननीय सदस्यों ने जो तरीके से कहा कि कॉमन सिविल कोड के बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने सदन में जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, इसको स्वीकार किया है कि साफ। तो यूसीसी पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के मसूरी मंडल के कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के पक्ष में जमकर नारेबाजी कर मिठाई भी बांटी। बीजेपी के मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि धामी सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पास करा दिया है जो राज्य के लिए ऐतिहासिक पल है। आज उत्तराखंड जो है देश का प्रथम राज्य बना है जिसने जो है यूसीसी को जो है विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरे सरकार को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है एक उत्तराखंड राज्य ऐसा बनाया है जिसने पहली बार इसमें यूसीसी को लागू किया है। और हम मानते हैं कि जहाँ कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं है, तो वहाँ सिविल जो लॉ है उसमें एक ही देश में रहने वाले नागरिक के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसी नेत यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है और मैं मानता हूं कि आने वाले धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने भी यूसीसी बिल पास होने पर खुशी जताई है, धामी सरकार का अभिनंदन किया है। साथ ही संतों ने यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। संतों ने कहा कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज ने कहा कि इस फैसले ने पूरे भारत को प्रेरणा दी है कि भारत संविधान से चलने वाला देश है और सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का निर्णय करके वास्तव में साहसिक कदम किया है और पूरे भारत को प्रेरणा दी है कि भारत संविधान से चलने वाला है और सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये धाकड़ मुख्यमंत्री ने, हम धामी मुख्यमंत्री कहते हैं लेकिन वो अब धाकड़ मुख्यमंत्री की तरफ जा रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। लेकिन उनका कुछ सिरफिरे लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इस मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार को जो समान नागरिक संहिता कानून लाए हैं उसके लिए बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समाज में असंतुलन पैदा नहीं हो। तो यूसीसी को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। एक ओर संत यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और मामले को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में इमाम संगठन ने देहरादून में बैठक की।
संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने कहा कि बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी हम बिल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि बिल के खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें हमारी राय को नहीं रखा गया है, इसके अलावा एसटी वर्ग को भी इससे दूर रखा गया है। उसकी मीटिंग तो नहीं थी, अपने लोगों को समझाने की मीटिंग थी। वजह यह है कि सरकार ने इसमें एक धांधलीबाजी करके ये बिल लाए हैं, जबकि इसमें कोई मजहबों के माहिरीन का किसी भी तरह का कोई दखल नहीं रहा, कोई राय मशवरा नहीं माना गया। खुद ही ओपिनियन मांगी थी सरकार ने, लाखों की तादाद में ओपिनियन गई, रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। सरकार ने इसमें ना माहिरीन को लिया ना ओपिनियन पर अमल किया, अचानक से जो है पूरा मुसवदा तैयार करके सरकार ने उसको अपने जो है ताकत के बल पर पास करा लिया। उसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा, जब इसमें माइनॉरिटीज के और जो है ट्राइबल्स को अलहदा निकाल दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, सभी नेताओं को जनता से सीधे संपर्क करने को कहा गया है। इसी के तहत बीजेपी ने लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका फायदा भी जनता को मिल रहा है। लाभार्थी संपर्क अभियान के बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी के पदाधिकारी लाभार्थियों से मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल रहा है। उसके तहत अभी केंद्रीय जो पदाधिकारी उसके प्रभारी है सिरसा जी यहाँ आए हुए हैं। ये बैठक हमारी 3 घंटे चलेगी और निश्चित रूप से प्रत्येक लाभार्थी से संपर्क, 1 कार्यकर्ता 60 लाभार्थी, तो उनके पास जाना, उनसे संपर्क करना, केंद्र की उपलब्धियां और बतानी, उनको क्या लाभ मिला उसका वीडियो क्लिप बनाना और उनके मोबाइल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव कैप्टन प्रवीण डाबर ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती के लिए जिन युवाओं के सारे टेस्ट हो गए हैं उनको इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद तुरंत नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से युवाओं को जागरूक करने के लिए 3 चरणों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले सभी युवाओं को जागरूक करने का काम करेगी और केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अग्निवीर स्कीम को वापस लिया जाए, ये हम विरोध करते आ रहे हैं। जब से अग्निवीर लॉन्च हुई है जून 2022 में, तब से हम उसका विरोध करते जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक और चीज सामने आई कि जो 1.5 लाख युवा जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका था। मंगलौर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में करतार सिंह भड़ाना मंगलौर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसका कर्ज वे कभी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है तो वे मंगलौर में ऐतिहासिक विकास के काम करवाएंगे जो आज तक मंगलौर के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि वे मंगलौर को बेंगलोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं 19 साल पहले आया था और आज प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से सबसे कहना चाहता हूँ कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलोर बन जाए, और वो जब इसकी इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये बंगलौर मंगलौर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है वो। तो अगर मेरी अगर बस बजा, जो सम्मान मुझे मिला है उस सम्मान। भगवानपुर के पूर्व विधायक सुरेंद्र राकेश की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। सभी लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देकर याद किया। बता दें कि सुरेंद्र राकेश 2007 और 2012 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, जिसके बाद राज्य में बसपा के समर्थन से सरकार बनी, जिसमें उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। 2015 में कैंसर की बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ममता राकेश भगवानपुर से लगातार 3री बार विधायक बनी है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस दौरान सुरेंद्र राकेश के किए कामों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। सहयोगी साथी सुरेंद्र राकेश जी की पुण्य स्मृति को याद कर रहे हैं, पुष्प चढ़ाने के लिए आया हूँ।
जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में विकास के पुष्प चढ़ाए, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में सेवा के पुष्प चढ़ाने का काम किया, उसको याद करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए आज उनकी नवी पुण्यतिथि है। तो उस अवसर पर मैं यहाँ के लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। डीएम ने तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है। डीएम ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यात्रा मार्ग और धाम में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, यात्रा मार्ग में लगे वाटर एटीएम दुरुस्त करने और वाटर एटीएम को जरूरत के मुताबिक सही जगहों पर लगाने के निर्देश जल संस्थान को दिए गए। यात्रा शुरू होने से पहले सड़क सुधार से जुड़े कामों को भी जल्द पूरा करने को कहा गया है। बुलेटिन के आखिर में बात रुड़की की भी कर लेते हैं, जहां सिंचाई विभाग की जमीन में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। व्यापारियों ने बाजार बंद करके तहबाजारी का विरोध किया और आरोप लगाया कि तहबाजारी ठेकेदार मनमानी वसूली करता है और व्यापारियों के साथ अभद्रता की जाती है। वहीं ठेकेदार ने कुछ लोगों पर दबंगई कर दुकानदारों को बरगलाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर व्यापारियों ने सिंचाई विभाग से मूल्य निर्धारित करने और सभी व्यापारियों को समान पर्ची काटने की मांग की है। अधिकारियों ने दो दिन में कमेटी गठित कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहले भी कहा है, एक समझौता ये होता है कि उनके साथ अकेले कमरे में बैठ करके हम समझौता करें। मैं कहता हूं कि अगर वो हमारे साथ कोई समझौता करना चाहते हैं, वो इन गरीब लोगों के बीच में आए, फड़वालों के बीच में जितने भी लोग यहाँ से हैं, जो भी उनको समझौता करना है इनके बीच में आके बैठ के समझौता करें। हम उनसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ जो भी कोई फायदा हो वो सिर्फ इन फड़वालों का हो, ना कि किसी दबंगई का हो, किसी गुंडे का हो। और ये एक सच्चाई है कि अगर आज 165 रुपये में ठेकेदार के नाम ये टेंडर छूटा है, वो अपनी तरफ से ये कह रहा है जी मैं 165 रुपये ना लिएगा, क्योंकि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं 165 रुपये लूँ। जो आदमी आज तक 60 रुपये दे रहे थे, उसने सीधा सा रेट बढ़ाया उस पर 40 रुपये, वो कह रहा है कि मुझे 100 रुपये देना शुरू करो। ज़्यादा लोग नहीं, कुछ चंद लोग हैं जो सबको खराब कर रहे। जो सरकारी जो रेट हैं वो 155 रुपये हैं, 165 रुपये रेट हैं, लेकिन हम ज़्यादा ले रहे। दो अंदाज सब साथ कहेंगे, हम कम ही ले रहे, उनसे वैसे 70 रुपये ले रहे थे, फिलहाल 100 रुपये ले रहे हैं हम। लेकिन पिछली बार भी उन्होंने 100 रुपये दिए, उससे पिछली बार भी 100 रुपये दिए, इस बार कुछ दुकानदारों की वजह कहने के उसमें इन्होंने बाजार बंद कर दिया, हमने मना नहीं करा बाजार। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।